शेरपुर में स्थित श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तीर्थ के मुख्य द्वार खुलने के संदर्भ में संकल्प पूर्ण होने पर आचार्य श्री प्रबल सागर जी महाराज की केशलोंच विधि संपन्न हुई। 21 मार्च को शेरपुर का जैन समाज आचार्य श्री की कठोर साधना का साक्षी बना। तीर्थोद्धारक आचार्य श्री प्रबल सागर जी महाराज ने कई वर्षों पहले संकल्प लिया था कि जब तक शेरपुर में स्थित श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र महातीर्थ में चल रहा विवाद नहीं सुलझेगा और मंदिर का द्वार नहीं खुलेगा, तब तक वह केशलोंच नहीं करेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार के खुलने के बाद 21 मार्च को आचार्य श्री ने केशलोंच करने का निर्णय लिया। समस्त नगरवासी मुनि संघ की इस कठोर तपस्या के साक्षी बने और जब आचार्य श्री ने केशलोंच किया तो पूरा प्रांगण जयकारों से गूंज उठा। आज यहाँ पर आप सभी पधारे, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पधारे सभी बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आज यहाँ पर पवली मंदिर शिरपुर अंतरिक्ष प्रार्थना सिद्ध क्षेत्र पर अतिशयकारी क्षेत्र पर सुबह के मांगलिक अभिषेक के पश्चात इस प्रांगण में महाराज श्री का आज केशलोंच की विधि का कार्यक्रम यहाँ पर आपने सभी संपन्न किया, सभी इसके साक्षी बने, सहभागी बने। यह कार्यक्रम जैसा कि आपको मालूम है, महाराज श्री ने एक प्रण किया हुआ था कि जब तक ये शिरपुर के अब दरवाजे नहीं खुलेंगे, मेन मुख्य द्वार नहीं खुलेगा और यहाँ का जो अभिषेक और सब कुछ क्रिया यहाँ पर साधारण तरीके से आना जाना नहीं होगा, महाराज ने संकल्प किया और लगभग 2.5 वर्ष के पश्चात महाराज श्री ने आज एक भव्य कार्यक्रम के रूप में अपने सभी भारतवर्ष से पधारे श्रावकों के सम्मुख एक केश रोजन विधि का यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न किया। केशलोंच की गतिविधियां संपन्न होने के बाद भक्तों ने आचार्य श्री का पूजन करते हुए शुभ तत्वों के अर्घ आचार्य श्री के चरणों में अर्पित किए। आचार्य प्रबल सागर जी के पूजन करने आए हैं। मंगल पूजन के बाद आयोजक समिति के सदस्यों ने आगंतुक अतिथियों और सहयोगियों का स्वागत सत्कार किया। जैन फोकस के लिए शिरपुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।